अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ पकोड़ों की। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। 3 आलू हैं जिनका छिलका मैंने नहीं उतारा, इनको आपके सामने कट करूँगी। 3 से इतने बनेंगे कि आप 10 बंदों को भी सर्व कर सकते हैं। लेमन है हमारे पास 2, अजवाइन है हमारे पास 1 टेबल स्पून, धनिया है कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, अनारदाना है 1 टेबल स्पून, दाढ़ा मिर्च है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च है 1 टीस्पून, नमक है 1 टेबल स्पून, सब्ज़ मिर्च है 3 अदद, पालक है, पर पालक को मैंने देखा है बड़ा बड़ा करके काटा है, बिल्कुल बारीक नहीं काटना, पकौड़ों में अच्छी नहीं लगती। और सब्ज़ धनिया है हमारे पास। बेसन है हमारे पास 1 कप, इसमें जाएगा आधा कप आटा। आटा डालने की वजह ये है कि ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैं डालती हूँ, पकौड़े बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं, तो इस वजह से ये रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। एक बाउल ले लिए, इसमें लेमन को छोड़ के बाकी हम सब मसाले डाल देंगे। अब लेमन निचोड़ लेते हैं, बीज हमने निकाल लिए थे। के साथ ही जाएगी सब्जी। मिक्स करना पूरे। अगर आपने क्या में पकौड़ों को मिक्सचर बना के रेस्ट देनी है तो आप क्या में इसमें पालक बिल्कुल ऐड ना करें, तब पालक ऐड करें जब आप बनाने लगें। ये टिप इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी दफ़ा मेरे साथ हो चुका है, पालक बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती है जिसकी वजह से हमारा मिक्सचर ख़राब हो जाता है। तो पालक को हमेशा आप लास्ट पे डालें। मैंने अभी इस वजह से डाला है कि हम फौरन फ्राई करेंगे। अब जाएगा इसमें बेसन, साथ ही जाएगा आटा। अब हम काटेंगे आलू। आलू मैं बताऊंगी आपको कि हम किस शेप में काटेंगे। आलू लिया हमने, इसको हमने लंबाई में काटना है, मोटे मोटे करके मैं आपको दिखाऊंगी। आलू को देखें, इतना मोटा काटा है हमने। आपके साथ में किसी दिन शेयर करूंगी अपनी कटिंग। बहुत ही कम टाइम में हम काफ़ी सारी चीज़ें कट कर लेते हैं, हमारा टाइम भी बच जाता है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि हमने ये कितने 1 मिनट में भी नहीं, उससे भी कम में हमने काटा है। इससे ये होता है कि जब कभी कटिंग करनी हो तो हमारा टाइम बच जाता है। मोस्टली लोग हाथ से कट करते हैं, टाइम भी काफ़ी लगता है। आलू आपको नज़र आ रहे होंगे, आलू को अच्छी तरह मैंने वॉश किया था। वॉश कर लें अच्छी तरह, फिर छिलका ना उतारें, बारीक छिलका था इसको। इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप छिलके के साथ ज़रूर ट्राई करें। एक आलू से तकरीबन 4 पीस किए हैं हमने, देख लें आप, कटिंग हो चुकी है। मोस्टली लोग चिप्स में भी ऐसी कटिंग करते हैं, तो आप इस तरीके से कटिंग करें, बहुत ही इजी है। अब हम डालेंगे इसको अपने बाउल में, अब हम डालेंगे बाउल में। पानी आप ऐड करते जाएं साथ साथ, जितना भी ज़रूरत पड़े। मैं डालती जाऊँगी जहाँ मुझे लगा कि बस करना है तो मैं बस कर दूँगी। अजवाइन और अनारदाने का जो टेस्ट आता है ना पकौड़ों में, बहुत ही अच्छा आता है। बाज़ार में अक्सर जो हम पकौड़े खाते हैं उसके अंदर अजवाइन होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं अजवाइन का इस्तेमाल करती हूँ। अब पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। फिर जाएगा करके मिक्स करेंगे अच्छी तरह।
चम्मच से हमने काफ़ी मिक्स किया था, पर जो मिक्सचर हाथ से करेंगे वो चम्मच से नहीं होगा, तो मैंने हाथ का इस्तेमाल किया है। हाथ आप अपने अच्छी तरह वॉश करें तो हाथ की मदद से इस मिक्सचर को अच्छी तरह आप मिक्स करें। मसाले इसमें ऐसे होते हैं कि जो चम्मच से अच्छी तरह मिक्स नहीं हो सकते। देखें, तीन आलू से हमारा इतना मिक्सचर तैयार हो चुका है। ऑयल गर्म हो चुका है, आवाज़ आ रही होगी आपको। ऑयल चेक करने के लिए आप थोड़ा सा ही डाल के चेक कर लें। अब हम डालेंगे इसमें, हाथ की मदद से ही डाल रहे हैं हमें, क्योंकि आलू के साथ जो मिक्सचर है वो हाथ से ही आएगा। कुछ काम हाथ से ही अच्छे लगते हैं करते हुए। यूँ आलू लिया और इसके साथ हमने अपना मिक्सचर रखा। थोड़े बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से बने हुए। वैसे तो मोस्टली हम दूसरी शेप में आलू काट के बनाते रहते हैं। इस तरह आप बनाएं, लंच में दें बच्चों को, टी ब्रेक में दें, खुद खाएं। सर्दियों में मज़ा आता है, बारिशों के सीज़न में तो अपना ही मज़ा है पकौड़ों का। अब हम साइड चेंज करते हैं, कलर आ चुके हैं। नॉर्मल फ्लेम पे इसे रखें, आलू हमारे अच्छी तरह गल जाएं। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है। आवाज़ में आपको चेक कराती हूँ इसकी कि आटा डालने की वजह से ये कितने क्रिस्पी हैं, जबकि अभी ऑयल में ही है। आटा डालने की रीज़न ये होती है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। आवाज़ देखिए आप, आवाज़ चेक करें कि कितने क्रिस्पी हैं। और आटा डालने की वजह से आपको नज़र आ रहा होगा पकौड़ों के अंदर ऑयल बिल्कुल नहीं है, ऑयल बिल्कुल ये नहीं लेते। वरना हम जो दूसरी तरह पकौड़े बनाते हैं उसके अंदर ऑयल नज़र आ रहा होता है। चेक करें, इसी तरह हम बाकी डाल देते हैं। ये लास्ट है हमारा। इसी तरह हम ये भी निकाल लेते हैं। अब आप चेक करें, तीन आलू से बनाए हैं हमने ये पकौड़े। प्लेट को हमने डेकोरेट कर लिया था। किसी दिन मैं आपको बताऊंगी कि प्लेट को कैसे डेकोरेट करें। जैसे अपने आप को इन्हेंस करने के लिए मेकअप की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही रेसिपी को भी थोड़ा बहुत हमें डेकोरेट करना पड़ता है। तो ये केचप था जो कि शिमला मिर्च के अंदर मैंने रखा था। इससे अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए हर एक चीज़ को। हमेशा सेम वैसे ही ना रखें, उठाए और प्लेट में डाल दिए। इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें। अब देखें, पकौड़े हमारे बहुत ज़्यादा बने हैं। केचप आप साइड पे भी कर सकते हैं, मैंने मीड में रखा है। मैं सारे रखूँगी ये बताने के लिए कि तीन आलू से इतने पकोड़े बनते हैं। वैसे तो आप कम सर्व करें, अच्छा नहीं लगता एक ही दफ़ा आप इतनी प्लेट भर दें। चेक करें अभी आप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही दिए बेल आइकन को प्रेस करें। इससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो कमेंट्स करके बताएं और रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।